खाना खजाना के दर्शकों को संजीव कपूर का नमस्कार। आज मैं आपको चॉकलेट फोंड्यू बनाने का तरीका बताऊंगा। जी हाँ, फोंड्यू इसलिए क्योंकि लोग खाना तो चाहते हैं फोंड्यू, लेकिन मालूम नहीं होता कि फोंड्यू चीज़ क्या होती है, उसको बनाया किस तरह से जाता है और खाया किस तरह से जाता है। लेकिन फोंड्यू मैं अभी नहीं आपको बताऊंगा, उससे पहले बताऊंगा एक मटन की डिश स्टर फ्राइड गार्लिक के साथ, लेकिन वो भी नहीं बता रहा अभी मैं आपको, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं सूप से, क्योंकि खाने की शुरुआत होती ही सूप से है। अब मैं जो आपको सूप बना के दिखाऊंगा उसका नाम है क्रीमी अनियन एंड पोटैटो सूप। इसके लिए हमें चाहिए 2 बड़े आलू, 2 बड़े प्याज बारीक कटे हुए, 1/4 कप टोमेटो प्यूरे, 1/2 कप फ्रेश क्रीम, 2 बड़े चम्मच मक्खन या तेल, 4 कप वेजिटेबल स्टॉक, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार और 3-4 तेज पत्ते। इस सूप के लिए सबसे पहले प्याज और आलू को काट लें। प्याज को तो एकदम बारीक चॉप करें और जो आलू है उसके थोड़े से बड़े पीस। इस सूप के लिए हमने वेजिटेबल स्टॉक भी तैयार करना है। वेजिटेबल स्टॉक बहुत आसान है तैयार करना। वैसे तो जब भी आप घर में सब्जियां बनाते हैं, यदि सब्जियां उबालते हैं तो उसका जो पानी रहता है उसको फेंके नहीं, उसको रख सकते हैं और आप यूज़ कर सकते हैं एज ए वेजिटेबल स्टॉक। नहीं तो यदि आपने वेजिटेबल स्टॉक बनाना है तो थोड़ी सी गाजर, बीन्स, शलगम लेके उसमें थोड़ा सा बुके गानी, यानी कुछ ऐसे चीज़ें जिससे खुशबू आती है, जैसे लौंग, सिनेमिन और तेज पत्ता डाल के इसको अच्छी तरह से उबालें करीब 15 से 20 मिनट तक, और उसके बाद इन सब्जियों को छान लें। जो पानी बचेगा वो वेजिटेबल स्टॉक है। इस डिश के लिए आप मक्खन या तेल ले लें। और इसके अंदर तेज पत्ते डालें और इसका फ्लेवर इसके अंदर आने दें। तेज पत्ते का जो फ्लेवर है वो इस मक्खन के साथ जब भुनेगा तो इसके अंदर आ जाएगा। और उसके बाद इसमें हम प्याज डालेंगे। क्योंकि ये प्याज और आलू का सूप है तो जाहिर है कि इसके अंदर आलू और प्याज काफी मात्रा में रहेंगे। इसके लिए प्याज को हल्का सा भूनना है, हमने प्याज को रंग नहीं देना। आमतौर से जो आलू और प्याज के सूप बनते हैं वो बहुत ही उसका कलर डल सा होता है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए और इसको थोड़ा लाइवली बना दिया जाए, इसमें थोड़ी सी रंगत डाली जाए। इसलिए हम इसके अंदर लाल मिर्च डालेंगे। एक तो उससे टेस्ट आएगा, थोड़ा सा तीखापन आएगा और थोड़ा सा रंग भी आएगा। और उसके बाद इसमें हम आलू डालेंगे, जो आलू हमने काटे थे। और इसमें डालें वेजिटेबल स्टॉक। वेजिटेबल स्टॉक यानी जिस पानी में सब्जियों को उबाला गया हो और पानी को छान के रखा गया है वो है वेजिटेबल स्टॉक। अब इसके बाद इसमें नमक डाल दें। इसके बाद इसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसको पकने दें, तब तक जब तक इसमें जो आलू हैं वो एकदम अच्छी तरह से गल ना जाए। जब तक ये आलू पकते हैं हम इसकी गार्निश तैयार कर लेते हैं। एक बर्तन में तेल थोड़ा गर्म कर लें और प्याज छील कर हम उसके राउंडल्स काटेंगे।
राउंडल्स यानी उसको गोल गोल काटा जाएगा और इसके रिंग्स निकाल लें। ये देखिए इस तरह से। अब तेज आंच पर इस प्याज को फ्राई कर लें। इसको एकदम हमने ब्राउन कर लेना है। इसके बाद इसको निकाल लें। जब इसके अंदर आलू अच्छी तरह से पक जाएं, तो उसके बाद इसको हम प्यूरे करेंगे। तो यहां पे हम देख लेते हैं कि आलू पक गए हैं या नहीं। आलू एकदम अच्छी तरह से पक जाने चाहिए। तो यहां पर आलू अच्छी तरह से पक गए हैं, तो इसके बाद इसको हम मिक्सर में प्यूरे कर लेंगे। लेकिन मिक्सर में आप प्यूरे तभी करें जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि अगर गरम मिक्सर में प्यूरे करेंगे तो खतरा है गरम चीज आपके ऊपर आने का। मिक्सी में डालने से पहले इसमें जो हमने तेज पत्ते डाले थे उसको निकाल लेते हैं। और इसके बाद इसको थोड़ा ठंडा करके हम मिक्सर के अंदर प्यूरे करेंगे। और जब इस सूप को आप मिक्सी में पीस लें, तो उसके बाद से एक बार फिर से इसको गर्म करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो सूप है इसको थोड़ा ठंडा करने के बाद मिक्सी में पीसें। थोड़ा पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी ठीक कर लेते हैं। और इसमें थोड़ा और टेस्ट देने के लिए टोमेटो प्यूरे डालेंगे हम इसके अंदर। टोमेटो प्यूरे से इसमें टेस्ट और कलर दोनों चीजें आएंगी। जब इसके अंदर एक उबाला आ जाए तो आंच धीमी करके इसके अंदर फ्रेश क्रीम डालें और उसके बाद इसमें उबाला ना दें। और अब सूप को गर्मा गर्म सर्व करें सूप बोल के अंदर, और इसकी गार्निश दें प्याज के जो हमने पहले फ्राई किए थे रिंग्स वो डालकर। तो लीजिए तैयार हो गया गर्मा गर्म एक ऐसा सूप जो थिक भी है, पीने में अच्छा भी है, टेस्टी भी है, क्रीमी भी है। आप चाहें तो बिना क्रीम के भी पी सकते हैं। अब देखिए एक मटन की डिश, लैम्ब की डिश, लहसुन के स्वाद वाली। जी हाँ, गार्लिक के साथ यदि मटन को पकाया जाए तो उसका बहुत अच्छा स्वाद, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और यदि वो डिश स्टर फ्राइड हो तो जल्दी भी बनती है। तो देखिए हमें स्टर फ्राइड लैम्ब विद गार्लिक के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम मटन पतला कटा हुआ, 2 छोटे चम्मच सोया सॉस, नमक स्वादानुसार, 1 बड़ा चम्मच तेल, 2 बड़े चम्मच ब्रांडी, थोड़ा अदरक, 12 से 15 लहसुन के क्लोव्स और 3 हरे प्याज। इस डिश के लिए आप अच्छी क्वालिटी का मटन ले लें। जब मैं अच्छी क्वालिटी का बोलता हूँ इसका मतलब है कि ताज़ा मटन होना चाहिए, और वो आपको रंग से ही दिखने से पता चल जाएगा।
ये देखें, ये जो है थोड़ा सा गुलाबी रंग का होना चाहिए और उसको आप पतली पतली स्ट्रिप्स में काट लें इस तरह से। वो इसलिए क्योंकि ये स्टर फ्राई डिश है और इसके लिए मटन फ्राई करते करते जब अब हम मटन को हिला रहे हैं उसी समय वो पक जाना चाहिए। इसमें हमने गार्लिक का काफ़ी उपयोग करना है तो गार्लिक को काट लें। गार्लिक को एकदम छोटा नहीं काटना और जो अदरक है उसको पतला पतला काट लें। और अब हम प्याज को काटेंगे। इसमें हमने हरे प्याज यानी स्प्रिंग अनियन का इस्तेमाल किया है और इसको लंबा लंबा स्लाइस कर लें। और इसके बाद एक कढ़ाई के अंदर तेल ले लें। इसमें हमने तिल के तेल का इस्तेमाल किया है और जब ये तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसके बाद इसमें ये हम अदरक डालेंगे और ये लहसुन। ये देखिए लहसुन इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर है और सिर्फ इसको हमने तेल भर में मिलाना है, भूनना नहीं है। उसके बाद ये प्याज हम डाल देंगे इसके अंदर और प्याज को भी हमने भूनना नहीं है। इसके बाद ये जो मटन के पीसेस हैं उसको डाल लें और अब इन चीज़ों के साथ इन मटन को हिलाते रहें। इसको थोड़ा थोड़ा खोलते रहें आप। ये देखिए जो मटन है और प्याज है उसके दोनों के अंदर काफ़ी मॉइस्चर है तो उसी मॉइस्चर में ये पकेगा। अब इसके अंदर सोया सॉस डालें और साथ में डालें थोड़ा नमक। आप देखेंगे कि हमने इसमें किसी ऐसे स्पाइस का इस्तेमाल नहीं किया है जिसकी वजह से ये तीखा हो, क्योंकि हमने इसमें पेपर नहीं डाला, कोई ऐसा स्पाइस नहीं डाला। वो इसलिए क्योंकि ये जो हम लैम्ब और मटन का टेस्ट है उसको एकदम अच्छी तरह से चाहते हैं और उसके साथ जो हमने प्रोमिनेंट फ्लेवर दिया है वो गार्लिक का दिया है। एक मटन के पीस को लेकर चेक कर लें। ये देखिए अब मटन गल चुका है। ये मैंने इसको पानी में डाल के इसलिए चेक किया क्योंकि वैसे आप मटन को हाथ में पकड़ नहीं सकते हैं, गर्म रहता है, इसलिए कभी भी आप कोई भी मीट की चीज़ चेक कर रहे हैं तो उसको पहले पानी में डाल लें, उसकी वजह से वो ठंडा हो जाएगा और आपको एक्चुअल कि कितना कुक हुआ है वो पता चल जाएगा। अब जब ये मटन पक चुका है तो आप देखिए अब इसमें अच्छा कलर आ रहा है, इसको आप भून लें। जब मटन के अंदर इतना अच्छा रंग आ जाए तो इसमें एक और स्पेशल टच दें। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी वाइन डाल सकते हैं, नहीं तो चाहें तो थोड़ी सी ब्रांडी डालें। ब्रांडी को लेके किनारे पे लें और कढ़ाई को थोड़ा सा टिल्ट कर दें। और इसको अच्छी तरह से मिला लें। तो लीजिए ये तैयार हो गया है गार्लिक वाला स्टर फ्राइड लैम्ब। सजाने के लिए थोड़ा सा हरा प्याज ऊपर से डाल दें। ब्रांडी नहीं पीते हों तो जो पीते हों वो इसमें डालें।
अपने वायदे के अनुसार अब मैं आपको फोंद्यू बनाने का तरीका बताऊंगा। लेकिन फोंद्यू बनाने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि फोंद्यू होता क्या है। फोंद्यू एक तरह की सॉस होती है जिसे बनाया जाता है और नॉर्मली उसको गर्म करके खाया जाता है। ये जो फोंद्यू है चॉकलेट से भी बना सकते हैं आप, चीज़ से भी बना सकते हैं। चीज़ फोंद्यू बहुत पॉपुलर होता है, लेकिन हिंदुस्तान में जब भी फोंद्यू खाया जाता है तो ज़्यादातर चॉकलेट से खाया जाता है। तो इसलिए मैं आपको चॉकलेट फोंद्यू बनाने का तरीका बताऊंगा। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो चॉकलेट और एक कप फ्रेश क्रीम। इसके लिए सबसे पहले चॉकलेट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। ये जो चॉकलेट है इसे हमने पिघलाना है, तो इसलिए जितने ये छोटे हिस्सों में रहेगी उतनी जल्दी पिघलेगी। इसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने के बाद आप चाहें तो पिघला सकते हैं इसे माइक्रोवेव के अंदर, नहीं तो गैस के ऊपर भी इसको पिघलाया जा सकता है। लेकिन यदि आप गैस में इसको पिघला रहे हैं तो इसको डबल बॉयलर पे पकाना चाहिए। डबल बॉयलर का मतलब एक बड़े बर्तन में पहले पानी ले लें और उसके ऊपर ये दूसरा बर्तन रखें जिसके अंदर चॉकलेट हो। ये जो बर्तन है इसमें पानी डाला है हमने, इसको आप गर्म करेंगे और ये जो चॉकलेट का बोल है इसको इसके ऊपर रखें। ये जो बर्तन रहे ऐसा होना चाहिए जिस पे हीट लग के वो टूटे नहीं। आप चाहें तो इसी बर्तन को माइक्रोवेव के अंदर भी रख सकते हैं और मीडियम हीट के ऊपर इसको करीब 5 मिनट तक रखें, तब आप देखेंगे ये जो चॉकलेट है मेल्ट हो जाएगी। यदि आपको लगता है कि तब भी थोड़ी कसर है तो थोड़ी देर तक उसको और आप माइक्रोवेव में रख सकते हैं। जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम ये चॉकलेट रख देंगे। ये जो फोंद्यू है इसके लिए स्पेशल सेट आता है जो दिखने में कुछ इस तरह का रखता है। ये कई चीज़ों का बना हुआ मिलता है, जैसे ये स्टोनवेयर का है, आपको इनेमल में भी मिल सकता है, मेटल में भी मिल सकता है। ये नीचे इसका स्टैंड रहता है और ऊपर जिसमें फोंद्यू सॉस आती है। ये जो नीचे कंटेनर है इसके अंदर नॉर्मली कैंडल या फ्यूल डाल के, यहाँ पे हमने फ्यूल रखा है, आप छोटी कैंडल भी रख सकते हैं, उसको यहाँ रखा जाता है। उसके बाद ये कंटेनर के अंदर फोंद्यू सॉस रहेगी और नीचे उसको जलाया जाएगा। अब ये जो पानी है गर्म हो रहा है, इसके अंदर हम ये चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। जब तक ये चॉकलेट मेल्ट होती है तब तक इसके साथ खाने वाले जो फ्रूट्स हैं उसको हम काट लेते हैं, इस तरह के पीसेस जो एक बाइट साइज हों। ये जो चॉकलेट है ये पूरी तरह से मेल्ट हो जानी चाहिए, आप बीच बीच में इसको हिलाते रहें। इसको पानी के ऊपर से निकाल लें और इसके बाद इसमें फ्रेश क्रीम डालें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहें। ये देखिए जैसे ही क्रीम इसमें डलती है तो इसके अंदर जो ग्लेज है इसका वो बढ़ता जाता है। अभी भी ये काफी थिक है, इसके अंदर हमें और क्रीम मिलानी पड़ेगी। और क्रीम डाल के इसको अच्छी तरह से फेंट लें। इंडिया में ये डिश इतनी पॉपुलर होगी इसका एहसास हुआ मुझे लास्ट ईयर अगस्त में कलकत्ता जाकर, जहां पे मैं गया तो किसी और काम से था, लेकिन वहां के लोगों ने इतनी डिमांड की कि आप हमें फोंद्यू बनाना सिखाएं। और मुझे समझ नहीं आया कि क्या वाकई हिंदुस्तान में इतनी ज़्यादा डिमांड है। खैर उसके बाद मैंने वहां पे लोगों को डेमोंस्ट्रेट की और अभी तक मुझे खत आते हैं कि हम पार्टीज में फोंद्यू लोगों को खिलाते हैं और उन्होंने मुझे फिर इनवाइट किया है कि आप आके वहां पे नई नई चीज़ें आप कलकत्ता में दिखाएं। तो आप भी देखिए ये फोंद्यू कितना पॉपुलर आप कर सकते हैं अपने अपने शहरों में। अब ये जो फोंद्यू सॉस है ये तैयार हो गई है। अब इसके बाद जो काम है वो सिर्फ बैठ के खाने का है। किस तरह से? फोंद्यू सेट के अंदर डाल के सबसे पहले ये जो इसका स्टैंड है नीचे का वो ले लें। आप चाहें तो इसमें छोटी मोमबत्ती भी रख सकते हैं।
और उसके बाद ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आप ये सॉस को डालें। उतनी सॉस डालें जितनी आप खत्म कर सकते हैं, और जब आपको खाना हो तो इस तरह से ये ऊपर रख के, जब ये सॉस थोड़ी सी गर्म हो जाए उसके बाद ये फ्रूट ले लें और उसके बाद इस गरम गरम सॉस के अंदर डिप करें इस तरह से, और उसके बाद थोड़ा सा रूमानी अंदाज में, यानी किचन में नहीं, किसी अच्छे वातावरण में बैठकर खाएं या खिलाएं।